आज मैं आपको एक बार फिर सरल भाषा में बताने वाला हूं कि दरअसल ये बिल न सिर्फ मुस्लिम विरोधी है, संविधान विरोधी है, बल्कि देश विरोधी है और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाता है। क्यों? सुनिए। सबसे बड़ी बात, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में से सभी माइनॉरिटीज को, धार्मिक तौर पर प्रताड़ित माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देने की बात करता है, नागरिकता देने की बात करता है, मगर मुसलमानों को अलहदा रखता है। अब ये आर्टिकल 14 का सीधे तौर पर उल्लंघन है, जो कहता है कि जो स्टेट है, भारत है, वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। मगर ये तो बहुत छोटी सी बात है दोस्तों, क्योंकि माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा था कि क्या आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के मुसलमानों को या बांग्लादेश के मुसलमानों को या अफगानिस्तान के मुसलमानों को भारत में शरण दें। वो आगे जाके ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों की प्रताड़ना, उन्हें टारगेट नहीं किया जा रहा है। इससे बड़ा झूठ या गलत बयानी नहीं हो सकती। मैं आपको बताता हूं कैसे। 1974 में पाकिस्तान के अंदर अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उसके बाद से लेकर अब तक, यानी कि हम 2019 में हैं, अहमदियों पर, शियाओं पर और बलूचिस्तान में बसने वाले बलूचियों पर पाकिस्तानी स्टेट में लगातार हमला किया। हजारों की तादाद में अहमदियों, शियाओं और बलूचियों को मौत के घाट उतारा गया है। शियाओं और अहमदियों के जो धार्मिक स्थल पर हमले होते हैं, एक एक हमले में 100-100 लोग मारे जाते हैं। वहां पर हिंदुओं पर इतने अत्याचार नहीं हुए जितने अहमदियों, बलोचियों और उस पर हुए हैं। और हम दुनिया में क्या कहते हैं कि बलोचिस्तान के अंदर बलोचियों के साथ अत्याचार होते हैं। अब हमारे गृह मंत्री ने क्या कह दिया कि किसी मुसलमान पर अत्याचार नहीं होता। कल को पाकिस्तान क्या कहेगा? पाकिस्तान तो लगातार कश्मीरियों का मुद्दा उठाता है कि कश्मीरियों के साथ अत्याचार हो रहा है, कश्मीरी पर दमन किया जा रहा है, उनके लोगों के साथ रेप होता है। मगर अब गृह मंत्री ने कह दिया है कि मुसलमानों के साथ कोई अत्याचार नहीं होता पाकिस्तान में। अब हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा सामरिक जरिया था, जिसके जरिए हम पाकिस्तान को घेरते थे, वो हाथ हमेशा के लिए चला गया। इसलिए मैं कहता हूं, मुद्दा नंबर एक, ये बिल प्रो पाकिस्तान है। यह पहली बार आप सुन रहे हैं, यह बिल प्रो पाकिस्तान है, क्योंकि आपने पाकिस्तान को एक जरिया दे दिया है। अब वो लगातार हमें टारगेट करता रहेगा। वो कहेगा कि आपके गृहमंत्री ने खुद कहा कि वहां मुसलमानों के साथ कोई अत्याचार नहीं होता। तब भी मैं कहता हूं कि चलो, आपको मुसलमानों को नागरिकता देने की जरूरत नहीं है, वो कहीं और चले जाएंगे, बात वो नहीं है। अब आपको आगे बढ़ना होगा। मैंने आपको क्या बताया कि यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। जब हम CAA एक्ट की बात करते हैं दोस्तों, उसे हम आइसोलेशन में, अलहदगी में नहीं देख सकते। आपको यह देखना पड़ेगा कि नागरिकता बिल से पहले 5 साल पहले क्या हो रहा था और अब आगे क्या होने वाला है NRC की शक्ल में, नेशनल रजिस्ट्री फॉर सिटीजन्स, जिसके अंतर्गत आपको यह प्रमाण देना पड़ेगा कि आप इस देश के नागरिक हैं। तो CAA एक्ट को अलहदगी में नहीं देखा जा सकता। देखिए उससे पहले 5 साल पहले क्या हो रहा था। उससे 5 साल पहले क्या हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार, उसके मंत्री, उसके नेता और उसका बिकाऊ मीडिया पिछले 5 सालों में लगातार मुसलमानों को डीमनाइज कर रहा था। ऐसे कई कार्यक्रम कर रहा था जिसमें मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा था। अब इस देश में 2014 के बाद मॉब लिंचिंग बढ़ी है, मगर एक जो नई चीज देखने को मिली है वो ये देखने को मिली है कि जो मॉब लिंचर्स हैं, यानी कि जो मुसलमानों को मौत के घाट उतार देते हैं, उनका सम्मान हो रहा है। मसलन जैन सिन्हा, यह आदमी हार्वर्ड में पढ़ा है भाई, कोई छुटभैया सड़क छाप नेता नहीं है। इन्होंने झारखंड के अंदर भीड़ की हिंसा करने वाले लोगों को सम्मानित किया था और ये आरोपी नहीं है, गुनहगार थे। फिर इस शख्स को देखिए, महेश शर्मा, पूर्व मंत्री, मौजूदा सांसद, इस शख्स ने भी अखलाक के हत्यारों के शव को तिरंगे से लपेटा था। यानी कि आपने तिरंगे का भी अपमान किया और आपने जो लोग आरोपी थे अखलाक की मौत में, उनका सम्मान किया। और इस तरह के लगातार बयान जो हैं फिर आते रहते हैं, मीडिया भी जो है एक भूमिका निभाता है। तो पिछले 5 सालों में यह चल रहा था और उसी के बाद आप CAA एक्ट लेके आते हैं।
जिसमें आप मुसलमानों को बाहर रखते हैं। तो अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि इस बात की पृष्ठभूमि में, इस बात के मद्देनजर, अगर मुसलमान आज के दौर में असुरक्षित महसूस करता है तो क्या गलत है? क्योंकि आप तो उसे टारगेट कर रहे हो पिछले 5 सालों में, ऊपर से अब आप ये एक्ट लेके आते हो। अब जैसे मैंने कहा ना कि आपको सीए एक्ट के पीछे देखना होगा और आगे देखना होगा, पीछे मैं आपको बता चुका हूं, अब आगे क्या, आगे अब एनआरसी लाया जाने वाला है। मैं जानता हूं कि यह सरकार कह रही है कि एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्ट्री फॉर सिटीजन्स और नागरिकता बिल को जोड़ के नहीं देखा जा सकता। दोस्तों, ये सरकार आपसे झूठ बोल रही है। सुनिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिए देश की समस्या है, बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले सीए भी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत नहीं। यानी कि संसद के अंदर आप कहते हो कि जोड़कर नहीं देखा जा सकता, मगर आप लगातार चुनावी रैलीज में इस तरह की बातें करते हैं। तो अब एक तरफ आपने लगातार खौफ का माहौल बनाए रखा, अब आप नेशनल रजिस्ट्री फॉर सिटीजन्स ला रहे हैं जिसमें हर शख्स को यह प्रमाण देना पड़ेगा कि वो इस देश का नागरिक है। दोस्तों, ये अपने आप में इतनी असुविधा पैदा करने वाला है, आपको अंदाजा नहीं है। आपको प्रमाण देना पड़ेगा, आपके बाप दादा यहां के थे, तमाम चीज थे, क्योंकि अमीर तो निकल जाएगा जैसा कि नोटबंदी में हुआ था, मगर पिसेगा गरीब। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो आपको अपनी नागरिकता का प्रमाण देना पड़ेगा एनआरसी के जरिए, वो सिर्फ मुस्लिम विरोधी नहीं है, वो गरीब विरोधी है, वो इस देश के गरीब के खिलाफ है, क्योंकि उस गरीब को प्रमाण देना पड़ेगा कि वो इस देश का नागरिक है। और चूंकि सीएए आ चुका है, लिहाजा हिंदू तो बच जाएगा, मगर जो मुसलमान अपनी नागरिकता का प्रमाण नहीं दे पाएगा, उसे आप डिटेंशन कैंप में रख देंगे, उसके लिए आप मुश्किल हालात पैदा कर देंगे। यह डर है उस मुसलमान के अंदर, और यह तैयारी होनी चाहिए जब आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर अपनी बात सामने रखें। मैंने बार बार कहा है कि जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं ना, वो अपना भविष्य बर्बाद करने के गुनहगार होते हैं। हमने 80 के दशक में देखा था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जिस तरह से 4 से 5 हजार सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उस वक्त मुट्ठी भर सिख थे जो खालिस्तान चाहते थे, मगर उनके चलते पूरी सिख कौम को बदनाम किया गया, उनके खिलाफ एक जहरीला प्रोपेगेंडा चलाया गया, नतीजा 1984 था। मगर उस वक्त मीडिया ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं चलाया था, अब ये मीडिया भी उसी तरह का नफरती एजेंडा चलाती है। सरकार तो कह ही रही है, देखिए उस वक्त की कांग्रेस के सरकार के नेता या मंत्री इस तरह के जहरीले बयान नहीं देते थे, अब क्या हो रहा है, बीजेपी के मंत्री, नेता, उनके समर्थक सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स, ये सब जहर उगल रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर फिर प्रार्थना कर रहा हूं, अपने इतिहास को मत भूलो। ये मत सोचो कि अगर आप एक कौम को, एक संप्रदाय को असुरक्षित महसूस करोगे तो आप और हम जो हिंदू हैं वो सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं, देश ऐसे नहीं चलता है। हमारी जो बदनामी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो रही है और आने वाले दिनों में होगी, उससे डरिए, क्योंकि उसका सीधा ताल्लुक आपकी और हमारी रोजी रोटी से है। बाकी चीजों को लेकर आपको बेशक ना समझ आए, मगर कम से कम इस चीज को लेकर तो समझिए।